न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता ने वे देव माता न जन्म न बंधु न मित्रम गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाण सदा मे समत्वम् न मुक्तिर्न बन्धो चिदानन्द रूप चिदानन्द रूप ओहम शिवो चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम पांच ओंकार करना है हमें वैखरी वाणी से ऐसे ओंकार के लिए सावधान हो जाओ। ओमकार के कंपनों को अपने भीतर और बाह्य अनुभूत करते हुए भीतर से परावाणी का एक ओमकार उच्चारित करते हैं।
अस्तु। हल्के से अपनी हथेलियों को घर्षण करना है। प्राप्त ऊर्जा उष्मा को अपनी आंखों को प्रदान करते हैं। धीरे धीरे हथेलियों को मुखमंडल पर, वहां से मस्तक, गर्दन, ग्रीवा, वक्षस्थल, उदर, नाभि, पांव के मूल में दोनों हाथों की मुट्ठियां करके हाथों को रखते हैं घुटनों के ऊपर। नारायण के नामोच्चरण के साथ मुट्ठियां और आंखें साथ में खोलेंगे। नारायणाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ तत्सत। धीरे से आंखें भी खोलेंगे। पांव से जो स्थिति ली है उसे भी खोल देंगे। आज है 21 जून इंटरनेशनल योग डे, और इस शुभ दिवस पर हम शुभ संकल्प करना चाहते हैं। वो ये है कि मैं हमेशा प्रयत्न करूंगा स्वस्थ रहने के लिए, आनंदमय रहने के लिए, वहां तक करूंगा कि जहां तक मैं उसके मय न हो जाऊं। हरिओम। अब ऐसी ही क्रियाओं के साथ जुड़ेंगे जो हमें और भी ज्यादा स्वस्थता प्रदान करे, और भी ज्यादा एकाग्रता। हरिओम। अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। सभी लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। दोनों पैरों के पंजे पर इक्वल वेट देते हुए धीरे से हल्के से जॉगिंग स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे, एकदम एफर्टलेसली, स्लो टू मीडियम टू फास्ट पेस पे, अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे स्पीड बढ़ानी है। कंटिन्यू जॉगिंग, श्वासों पे ध्यान, धीरे धीरे नीज को उठाने की कोशिश करनी है। कंटिन्यू जॉगिंग, टोस के ऊपर, वेरी गुड, और थोड़े सेकेंड्स हाथों की फिस्ट बना के चेस्ट के पास ही रखो, वेरी गुड। धीरे धीरे स्लो डाउन, गति को धीरे धीरे कम करनी है। धीरे धीरे दोनों पैर के पंजे नीचे, दोनों हाथ पीछे, और शरीर को रिलैक्स कर दो थोड़े सेकेंड्स के लिए। श्वासों की गति को देखते जाओ। धीरे धीरे श्वास की गति धीमी, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन रेट धीरे धीरे नॉर्मल, एंड रिलैक्स। धीरे से पहली क्रिया करेंगे, दोनों पैरों के पंजे हिप विड्थ अपार्ट, एड़ी पंजे एक लाइन के अंदर, वन, श्वास भरते हुए धीरे से दोनों पैरों के टोस पे आना है और हाथों को भी उठाना है साथ में ऊपर। टू, श्वास छोड़ते हुए एड़ी हाथ नीचे, वन, ब्रीद इन, श्वास भरते हुए ऊपर, टू, ब्रीद आउट, श्वास छोड़ते हुए नीचे, वन, ब्रीद इन, थ्री, ब्रीद आउट, वन, ब्रीद इन, फोर, ब्रीद आउट, वन, ब्रीद इन एंड होल्ड। 4 सेकेंड्स के लिए बैलेंस करना है दोनों पैरों के टोस के ऊपर, दोनों हाथ कोनी में से सीधे,
फाइव, श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे रिलैक्स। दूसरी क्रिया, दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाना है, एक फुट जितना, साइड बाय साइड ट्विस्ट, दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में, दोनों पैर के पंजे अच्छे से ग्राउंडेड, वन लेफ्ट टू राइट, वन अच्छे से ट्विस्ट, अपर और मिडिल बैक में से ट्विस्ट देना है, टू राइट मैक्सिमम ट्विस्ट मिडिल और अपर बैक, वन थ्री वन लेफ्ट फोर राइट, वन लेफ्ट फाइव राइट एंड रिलैक्स। धीरे वापस दोनों हाथ नीचे। नेक्स्ट ऑल्टरनेट टो टचिंग, वापस दोनों पैरों को खोल दो, जितने खोले हैं उतने उससे ज्यादा खोलना है, दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में, लोअर बैक में से नीचे आना है, लोअर बैक में से धीरे से नीचे, चेस्ट ओपन है, दोनों पैर अच्छे से ग्राउंडेड है, वन लेफ्ट हैंड राइट टो, टू राइट हैंड लेफ्ट टो, अपर और मिडिल बैक में से मैक्सिमम ट्विस्ट देना है, वन टू वन, शरीर सेंटर में ही रहेगा, थ्री वन फोर, वन होल्ड लेफ्ट हैंड राइट टो, राइट हैंड सीधा ऊपर की तरफ, टू रिलैक्स, वापस दोनों हाथ शोल्डर की लाइन में और धीरे से ऊपर आ जाना है, श्वास भरते हुए ऊपर, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर के पंजे धीरे से पास में ले आना है। नेक्स्ट अर्धचंद्रासन करेंगे, वापस दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस, राइट हैंड कमर पर, लेफ्ट हैंड अच्छे से स्ट्रेच कान के पास, टू श्वास छोड़ते हुए धीरे से जाना है राइट साइड, श्वास भरते हुए सेंटर, वन श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड बेंड, टू में सेंटर, वन में लेफ्ट, आंखें बंद ही रखनी है और जो साइड स्ट्रेचिंग हो रही है उस पर पूरा ध्यान, टू सेंटर, वन लेफ्ट साइड बेंड, सेंटर, लेफ्ट हैंड अच्छे से स्ट्रेच करो कान के पास, टू राइट साइड, सेंटर, वन लेफ्ट साइड, आंखें बंद ही रहेगी, दोनों पैर अच्छे से ग्राउंडेड रहेगा, चेस्ट का अच्छा सा ओपनिंग है, टू सेंटर एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे। नेक्स्ट करेंगे फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग, दोनों हाथ अच्छे से लोअर बैक और नितंब के पास अच्छे से सपोर्ट दे दो, दोनों पैर साथ में, दोनों पैर के पंजे अच्छे से ग्राउंडेड, हिप्स को अच्छे से स्टेबल कर दो, हिप्स को अच्छे से स्टेबल कर देना है, पहला बैक बेंड देंगे, वन श्वास भरते हुए धीरे से लोअर बैक नीचे और अपर बैक ऊपर की ओर स्ट्रेच करना है, चेस्ट का अच्छा सा ओपनिंग है, टू धीरे धीरे एकदम धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए फॉरवर्ड बेंड, चेस्ट की दीवार ओपन है, हाथ की कोनिया पीछे है, वन वापस सेंटर में और थोड़ा श्वास भरते हुए चेस्ट को ओपन करते हुए साइड के मसल्स को लिफ्ट करते हुए पीछे, टू श्वास छोड़ते हुए धीरे एकदम धीरे से करना है फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड, घुटना सीधा, दोनों पैरों पे अच्छे से वेट, वन धीरे से सेंटर में और थोड़ा श्वास भरते हुए पीछे जाना है, लोअर बैक नीचे और चेस्ट अच्छे से ओपन, टू श्वास छोड़ते हुए धीरे से लोअर बैक में से आना है नीचे,
नजर सामने ही. वन धीरे से सेंटर एंड रिलैक्स. नेक्स्ट क्रिया नी बेंडिंग लेंगे. दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक. पहले लेफ्ट लेग से करना है. राइट लेग को अच्छे से ग्राउंड करो. वन श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट लेग बेंड जितना हो सके उतना ऊपर चेस्ट के पास पंजा नीचे फ्लोर के पास. टू श्वास बढ़ते हुए नीचे. श्वास छोड़ते हुए राइट नी को बेंड लेफ्ट लेग को पूरा स्टेबलाइज करो फ्लोर के पास. वन डाउन लेफ्ट लेग. वन ब्रीद आउट ब्रीद इन नीचे. ब्रीद आउट राइट वाला पैर लिफ्ट. ब्रीद इन डाउन. वन श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट नी बेंड एंड होल्ड. थोड़े सेकेंड्स होल्ड करो वहां पे. नितम के भाग का अच्छा सा स्ट्रेच. राइट लेग पूरा अच्छे से ग्राउंडेड. टू नीचे धीरे से श्वास छोड़ते हुए राइट नी बेंड. अच्छे से लिफ्ट करो. थाई को पेट के पास आने दो. पंजा नीचे की ओर. मस्तक सीधा. टू रिलैक्स धीरे से नीचे. रिलैक्स दोनों हाथ नीचे. इनहेल एक्सहेल. इनहेल एंड एक्सहेल. लास्ट नाइन्थ क्रिया. नाइन्थ क्रिया लेंगे साइड स्ट्रेचिंग. दोनों पैरों को खोल देना है. मैक्सिमम ओपन कर देना है. अच्छे से पैरों को नीचे से ग्राउंड करो फ्लोर के पास. एडी पंजे एक लाइन में हो. वन लेफ्ट लेग का पंजा लेफ्ट साइड. पूरे ट्विस्ट हो जाना है लेफ्ट साइड. टू धीरे से राइट हैंड का सपोर्ट लेना है. पीछे वाला टो स्टैंडिंग. धीरे से दोनों हाथों को घुटन पे रख दो. थोड़ा सा होल्ड यहाँ पे. पीछे वाले थाई को अच्छे से स्ट्रेच होने दो. नजर सामने. चेस्ट ओपन है. पीछे वाला थाई का अच्छा सा स्ट्रेच है. टो स्टैंडिंग है. आगे वाला नी स्ट्रेट. रिवर्स काउंट. टू धीरे से राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए धीरे से खड़े हो जाओ. सपोर्ट लेते हुए खड़े हो जाना है. और वन कमर सीधी पंजा सीधा. राइट साइड. टू राइट पैर का पंजा राइट साइड. पूरे घूम जाना है राइट साइड. टू धीरे से लेफ्ट हैंड का सपोर्ट ले लो. लेफ्ट लेग का टो स्टैंडिंग. दोनों हाथ घुटन पर. चेस्ट को अच्छे से ओपन करो. बैलेंस बनाओ पीछे वाले टो पे आगे वाले पंजे पे. चेस्ट की दीवार ओपन है. नजर सामने है. टू धीरे से लेफ्ट हैंड का वापस सपोर्ट लेते हुए खड़े हो जाओ. पंजा सीधा. वन कमर सीधी. और एक बार. वन लेफ्ट साइड. टू धीरे से राइट हैंड का सपोर्ट ले लो. पीछे वाला पैर को अच्छे से स्ट्रेच होने दो. आगे वाले थाई मसल्स को अच्छे से स्ट्रेच होने दो. दोनों हाथ घुटन पे. वेरी गुड. चेस्ट ओपन. नजर सामने थोड़ी ऊपर की तरफ. वेरी गुड. टू धीरे से वापस राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए खड़े हो जाओ. और वन पंजा सीधा कमर सीधी. राइट साइड. वन राइट पैर का पंजा पूरा राइट साइड. पूरा घूमना घूम जाना है राइट साइड. टू धीरे से लेफ्ट हैंड का सपोर्ट. लेफ्ट लेग का टो स्टैंडिंग. दोनों हाथ घुटन पे. चेस्ट ओपन. टेल बोन नीचे की तरफ. चेस्ट बोन ऊपर की तरफ. पूरा झुक नहीं जाना है उस पैर के ऊपर. बॉडी सेंटर में ही रहेगा. वेरी गुड. रिवर्स. टू धीरे से लेफ्ट हैंड नीचे. पंजा सीधा. कमर सीधी एंड रिलैक्स. एडी पंजा. धीरे से दोनों पैर साथ में. लास्ट क्रिया पादहस्तासन. घर्षण करेंगे पहले. सावधान की स्थिति. दोनों हाथ ऊपर की तरफ. कान के पास अच्छे से लगे हुए. शोल्डर्स रिलैक्स. वन श्वास छोड़ते हुए नीचे. श्वास भरते हुए ऊपर. श्वास छोड़ते हुए नीचे. श्वास भरते हुए ऊपर. श्वास छोड़ते हुए नीचे. श्वास भरते हुए ऊपर. श्वास छोड़ते हुए नीचे. श्वास भरते हुए ऊपर.
आसन करेंगे अभी, दोनों हाथ रिलैक्स नीचे रख दो, पादहस्तासन, दोनों हाथ नीचे, दोनों पैर के पंजे अच्छे से ग्राउंडेड। वन इनहेल, श्वास भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को स्ट्रेच करो कान के पास, अच्छे से स्ट्रेच करो, शोल्डर्स नहीं उठ जाने चाहिए। टू लोअर बैक में से धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आना है, धीरे धीरे घुटने को बेंड कर दो, दोनों हाथ के पंजे को अच्छे से रख दो नीचे, दोनों पैरों के पंजे के पास यथाशक्ति अपने फ्लेक्सिबिलिटी अनुसार। थ्री दोनों घुटन को सीधे कर दो, कोशिश करो दोनों पैर के घुटन सीधे, भले थोड़े ऊपर आ जाओ लेकिन कोशिश करो घुटना सीधा। और फोर अगर हो सके तो मस्तक लगाना है, नहीं हो सके तो जबरदस्ती गर्दन को अंदर नहीं लेके जाना है। रिवर्स काउंट फोर, पहले मस्तक को अलग करो घुटन से, घुटने में से थोड़ा पैर बेंड करो, दोनों हाथ कान के पास, मस्तक हाथ स्पाइन, श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, श्वास भर लो श्वास छोड़ दो, आती जाती श्वास पे ध्यान। ताड़ासन करेंगे, बेसिक पोस्चर, दोनों पैर के पंजे साथ में, एडी पंजे एक साथ में, हो सके तो कोशिश करो साथ में, दोनों हाथ शरीर के पास, पैर हमारे फाउंडेशन है, पैर के पंजे अच्छे से ग्राउंडेड होने चाहिए। टू धीरे से श्वास भरते हुए धीरे से दोनों हाथों को लिफ्ट करना है ऊपर कान के पास एंड होल्ड। पूर्ण स्थिति में शरीर को रिलैक्स कर देना है, आंखें बंद कर देनी है, पैर के पंजे अच्छे से ग्राउंडेड है, शरीर का संतुलन और मन की एकाग्रता बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है ये आसन। कोशिश करो मिनिमम मूवमेंट हो आपके शरीर की तो ही मन कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा, श्वास पे पूरा ध्यान लगाना है, यथाशक्ति रुकना है, शांति पूर्वक सहजता पूर्वक। रिवर्स काउंट, धीरे धीरे शरीर को रिलैक्स करते हुए दोनों हाथों को लाना है नीचे एंड रिलैक्स। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, धीरे से नीचे बैठ जाएंगे और उल्टे लेट जाएंगे मकरासन में। उल्टे लेट जाना है मकरासन, पेट के बल लेट जाना है और यहाँ पे शरीर को पूरा रिलैक्स कर दो। एडी अंदर पंजा बाहर की ओर, मकरासन अगेन एक सरल आराम लक्षी आसन जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम लोएस्ट है, यहाँ पे मसल्स पूरे रिलैक्स्ड है, चेस्ट की अच्छे से ओपनिंग है तीनों दिशाओं में, अच्छे से श्वास भरनी है छोड़नी है। शोल्डर्स रिलैक्स है, हमारे हिप्स के मसल्स रिलैक्स है, पूरी प्राण अपनी प्राण के ऊपर फोकस करना है, श्वासों की ऊपर। शरीर पूरा रिलैक्स हो चुका है, धीरे से दोनों पैर वापस साथ में, सलभासन के लिए सावधान, सलभासन लोकस पोस्ट, दोनों हाथ के पंजे दोनों थाइस के नीचे, दाढ़ी चिन्ह लगानी है, एडी पंजे साथ में, एक पास सलभासन करेंगे पहले। वन श्वास भरते हुए लेफ्ट लेग को उठाना है जमीन से ऊपर, पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा है ये सलभासन। कोशिश करो घुटन में से पैर सीधा,
श्वास छोड़ते हुए धीरे से पैर नीचे, वन, श्वास भरते हुए राइट लेग को उठाना है, हिप्स हमारे स्टेबल है, टू, श्वास छोड़ते हुए नीचे, द्विपाद शवासन करेंगे, दोनों पैरों को भी उठाना है, पीछे से आगे से चेस्ट को भी लिफ्ट करना है, वन, धीरे से हिप्स को स्टेबल करते हुए दोनों पैरों को उठाओ, आगे से चेस्ट को लिफ्ट करो, शोल्डर्स को ओपन करो, चेहरे के स्नायु रिलैक्स, वेरी गुड, पेट के बल पूरा आ जाना है, पीठ और पेट की मांसपेशियों की मजबूती के लिए बहुत ही अच्छा है शवासन, वेरी गुड, यथाशक्ति होल्ड करना है, घुटना सीधा, एड़ी पंजे साथ में, वेरी गुड, रिवर्स काउंट टू, धीरे से दोनों पैर के पंजे नीचे, चेस्ट का भाग और फिर दाढ़ी का भाग नीचे, रिलैक्स, मकरासन ले लो वापस, दोनों पैर थोड़े से खोल दो, शरीर पूरा रिलैक्स, दोनों पैर साथ में, धीरे से सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल, पंचम क्रिया की पहली क्रिया के लिए सावधान, दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक करके हुए सिर के नीचे, एड़ी पंजे साथ में जुड़े हुए, दोनों पैर घुटने जुड़े हुए, वन, सिर्फ दोनों पैरों को ले जाना है लेफ्ट साइड मस्तक राइट साइड, टू, श्वास छोड़ते हुए राइट मस्तक लेफ्ट, वन, लेफ्ट साइड मस्तक राइट साइड, टू, दोनों एल्बोज 180 डिग्री है, वन, लेफ्ट, दोनों पैर के पंजे एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगे, मिडिल बैक अपर बैक नीचे ग्राउंडेड ही है, टू, राइट साइड मस्तक लेफ्ट, और एक बार वन लेफ्ट एंड टू राइट, रिलैक्स, आ जाओ सेंटर में, तीसरी क्रिया लेंगे हाफ बटरफ्लाई, लेफ्ट लेग के पंजे को उठा के राइट थाइस के मूल में रख दो, दोनों हाथ वापस मस्तक के नीचे, वन, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए पैर का घुटना ऊपर की तरफ, वन, श्वास भरते हुए नीचे, टू, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, वन, थ्री, वन, नीचे की ओर, फोर, ऊपर की ओर श्वास छोड़ते हुए, वन, डाउन एंड फाइव अप, रिलैक्स, दूसरा पैर राइट वाले पंजे को बराबर फिक्स कर दो लेफ्ट साथर के मूल में, वन, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, ब्रीद इन एंड डाउन, ब्रीद आउट एंड अप, श्वास भरते हुए नीचे, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, वन, श्वास भरते हुए नीचे, दूसरी बाजू से हिप उठ नहीं जाना चाहिए, श्वास छोड़ते हुए ऊपर, लास्ट वन, ब्रीद इन एंड डाउन, ब्रीद आउट एंड अप, रिलैक्स, पैर नीचे, दोनों हाथ को बाहर निकाल देना है और दोनों पैरों को सीधे कर देना है, रिलैक्स, पवन मुक्तासन लेंगे, हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक करके छाती के पास रख दो, पहले एक पास से करेंगे, दोनों पैर के पंजे साधारण खींचे हुए,
वन, धीरे से लेफ्ट लेग को मोड़ देना है घुटन में से। टू, धीरे से सिर को उठाना है थोड़ा ऊपर, जिनको सर्वाइकल है उनको नहीं उठाना है। टू, मस्तक नीचे और श्वास भरते हुए पैर सीधा, राइट साइड वन, श्वास छोड़ते हुए राइट नी को बैंड हो सके उतना पेट के पास लाओ। टू, धीरे से सिर को उठाना है, मस्तक नीचे, श्वास भरते हुए पैर सीधा। द्विपाद पवन मुक्तासन करेंगे दोनों पैर से, दोनों पैरों को साथ में उठाना है ऊपर और फिर लाना है पेट के पास। वन, दोनों पैरों को उठाना है। टू, धीरे से मस्तक को उठाना है, वेरी गुड, जबरदस्ती नहीं करनी है, मस्तक के साथ अपर बैक को अच्छे से लिफ्ट करना है। टू, मस्तक नीचे, उसी स्थिति में रुकना है थोड़े सेकेंड्स, पैर का पंजा साधारण सामने की ओर खींचा हुआ, पेट पे अच्छे से दबाव हो रहा है, स्पाइन पूरी रिलैक्स हो रही है नीचे फ्लोर के पास, और रिलैक्स, धीरे से दोनों पैर श्वास भरते हुए नीचे, और दोनों हाथ रिलैक्स नीचे। नेक्स्ट प्रति उत्तानासन करेंगे, दोनों हाथ शरीर के पास ही, दोनों पैर के पंजे साथ में, अभी दोनों पैर नीचे ही है। वन, धीरे से लेफ्ट लेग को मोड़ देना है, लेफ्ट पैर केरी को लेफ्ट हाथ के ऊपर, राइट लेग को मोड़ देना है, दोनों पैरों के बीच में डिस्टेंस है हिप जितना, दोनों हाथ अच्छे से ग्राउंडेड है, दोनों पैर अच्छे से ग्राउंडेड है। टू, धीरे से नितंब को लिफ्ट करना है, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, और चेस्ट को ले जाना है चिन के पास, दोनों पैर खुल नहीं जाने चाहिए उतना खास ध्यान रखना है, स्पाइन का अच्छा सा एक्सटेंशन है यहाँ पे, दोनों हाथ ग्राउंडेड, दोनों पैर के पंजे मजबूती से नीचे है फ्लोर के पास, अच्छे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है यहाँ पे, हो सके तो दोनों पैरों को साथ में लाने की कोशिश करो, यथाशक्ति रुकना है, वेरी गुड। रिवर्स काउंट, धीरे धीरे अपर बैक, मिडिल बैक, लोअर बैक, नितंब, राइट वाला पैर सीधा और लेफ्ट वाला पैर सीधा, रिलैक्स। सवाशन, थोड़े सेकेंड्स के लिए सवाशन ले लो दोनों पैरों के बीच में, एक से डेढ़ फुट का डिस्टेंस, दोनों हथेली आसमान की ओर, अगेन एक रिलैक्सेशन आसन, आराम लक्ष्य आसन, अगेन एक बेसिक पोस्चर, पैर के पंजे से लेके मस्तक तक पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है, मस्तक से लेके पैर के पंजे तक, आती जाती श्वास को देखना है, हरेक श्वास को और उच्छ्वास को साक्षी भाव से देखना है, कैसे चल रही है हमारी श्वास, अच्छा सा एब्डोमिनल ब्रीदिंग हो रहा है यहाँ पे, श्वास की गति धीमी हो चुकी है, श्वास हमारे नियंत्रण में है, धीरे से वापस आएंगे, दोनों पैरों के पंजे को थोड़ा सा मूवमेंट देंगे, दोनों हाथों के पंजे को थोड़ी सी मूवमेंट देंगे, दोनों पैर साथ में, दोनों हाथ शरीर के बाजू में, मस्तक लेफ्ट साइड राइट साइड, धीरे से दोनों पैरों को घुटन में से मोड़ दो, धीरे से लेफ्ट साइड टर्न हो जाओ, लेफ्ट हैंड का पिलो बना के धीरे से लेफ्ट साइड टर्न, राइट हैंड का सपोर्ट लेते हुए धीरे से बैठ जाओ,
बैठ के करने वाला एक बेसिक आसन करेंगे, दंडासन। दोनों पैरों को सीधे कर दो, पैर एकदम सीधे दंडासन की स्थिति में। दोनों हाथ शरीर के बाजू में, हिप्स के आजू बाजू रख दो। घुटना नीचे जमीन के पास लगा हुआ, एड़ी बार की तरफ खींची हुई, पंजा तुम्हारी ओर खींचा हुआ, पेट की दीवार अंदर और पीठ की दीवार भी अंदर की तरफ। मस्तक का भाग आगे नहीं आ जाएगा, उतना ध्यान रखना है। चेस्ट ओपन है, शोल्डर्स ओपन है। अगेन सरल आसन है लेकिन बहुत ही इफेक्टिव आसन है। पोस्चर करेक्शन करने के लिए, एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए और मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये सभी योगिक क्रिया बहुत ही उपयोगी है। और 5 सेकेंड्स रुकना है, श्वासों पे पूरा ध्यान है। रिलैक्स, धीरे से आंखें खोल दो। दोनों हाथ थाइस के पास, फुल बटरफ्लाई की क्रिया लेते हैं। लेफ्ट लेग को मोड़ दो, राइट लेग को मोड़ दो और दोनों हाथों की फिंगर्स इंटरलॉक करके पैर के पंजे के नीचे रख दो और स्टार्ट फ्लैपिंग, फुल बटरफ्लाई। एडी पंजे अच्छे से पकड़े हुए हैं, हिप का अच्छा सा ओपनिंग है यहाँ पे। श्वसन पे पूरा फोकस है, आती जाती श्वास पे पूरा ध्यान है। हिप की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही अच्छा है फुल बटरफ्लाई। हाथ की कोनी सीधी ही है। रिलैक्स, धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे और पद्मासन ले लेंगे। धीरे से राइट वाले पैर को लिफ्ट करके ऊपर रख दो, फिर धीरे से लेफ्ट वाले पैर को लिफ्ट करके ऊपर रख दो। पद्मासन, कोई भी एक मुद्रा बना के घुटन पे रख दो। घुटना नीचे की ओर है, स्पाइन का ऑटोमेटिकली नेचुरल कर्व के अंदर आ गई है हमारी स्पाइन, एकदम एक सीधी रेखा में। और थोड़े सेकेंड्स देख लो, पोस्चर करेक्ट कर लो। दोनों हाथों की कोनिया शोल्डर्स के नीचे। रिलैक्स, धीरे से दोनों हाथ घुटन पे रख दो। योग मुद्रासन पार्ट वन के लिए सावधान, जो लोग पद्मासन नहीं ले पा रहे हैं वो हाफ पद्मासन अथवा सिंपल पलाकी में भी करेंगे। दोनों हाथों को आगे से वन के काउंट में, दोनों हाथों को आगे से फैलाते हुए धीरे से पीछे ले जाओ। राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के व्रिस्ट को अच्छे से पकड़ लो। टू, धीरे से लोअर बैक में स्पाइन को सीधी रखते हुए ही पेट की दीवार को पहले आगे आने दो, चेस्ट को आगे आने दो और फिर लास्ट में सिर को नीचे रख दो। दोनों हाथों को धीरे से मिडिल बैक के पास रख दो ताकि चेस्ट अच्छे से ओपन हो। यथाशक्ति यहाँ पे रुकना है, हमारे पीछे से हिप्स उठ नहीं जाने चाहिए। पूरा समर्पण भाव है इस आसन में, अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया है। नम्रता भाव है, पूरे शरीर पूरा मन रिलैक्स हो चुका है यहाँ पे। आती जाती श्वास पे ध्यान, अंतर्मुखता बनाए रखनी है। ध्यान श्वासों के ऊपर, रिवर्स काउंट। धीरे से पहले दोनों हाथों को नीचे ले जाना है लोअर बैक के पास और वापस लोअर बैक में से धीरे धीरे ऊपर आना है, मस्तक चेस्ट पेट की दीवार उठाते हुए। और रिलैक्स, धीरे से दोनों हाथ वापस घुटन पे। यहीं पे रुक जाओ,
आती जाती श्वास को देखते जाओ। थोड़े सेकंड्स अपने श्वासों के साथ ही जुड़ना है। चित्त की विश्रांति स्थिति है यहाँ पे, मन एकाग्र हो चुका है, श्वसन हमारा नियंत्रण में है। श्वसन अगर हमारा नियंत्रण में है तो हम आगे जाके हमारी जो ब्रीदिंग है प्राणायाम अच्छे से कर पाएंगे। हरिओम सबको। प्राणायाम करेंगी, अभी तक शरीर से मूवमेंट थी, अभी हम जुड़ेंगे प्राण के साथ। शरीर आपका स्थिर हो गया है, मन शांत है, तो धीरे से अपने ध्यान को श्वास पे लाएंगे। जब तक सांस भर रहे और छोड़ रहे होते हैं तब तक वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज की क्रिया होती है। उसके बाद जब भी उसका फ्लो ब्लड में मिक्स होता है तभी वो प्राण का स्वरूप लेता है। किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ करिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। एक सांस भर लीजिए और पूरी प्रश्वास बाहर। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे धीरे बाहर। राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा, लेफ्ट हैंड से ध्यान मुद्रा लेके हाथ घुटने पर। राइट हैंड से अंगूठे से राइट नोस्ट्रल बंद कर दीजिए। और बाई नोस्ट्रल से लेफ्ट नोस्ट्रल से बिल्कुल धीरे धीरे पूरा एक दो तीन चार, दोनों नोस्ट्रिल बंद कुंभक। एक दो तीन चार पांच छ, राइट से रेचर। एक दो तीन चार, राइट से ही पूरा। एक दो तीन चार कुंभक, दोनों नोस्टल बंद। एक दो तीन चार पांच छ, लेफ्ट से रेचर। एक दो तीन चार पूरक। ओम 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 कुंभक। ओम 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 रेचक। ओम 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 ओम
पूरा। ओम 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 कुंभक। ओम 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 रेचक। ओम 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 पूरा। किसी का माइक ऑन हो गया है, प्लीज ऑफ करो। लेफ्ट से पूरा। ओम 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 कुंभक। ओम 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 रेचक। ओम 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 पूरक। ओम 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 कुंभक। ओम 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 रेचक। ओम 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 ओम। एक राउंड अपने आप ले लीजिए। मन में काउंट करते हुए पूरा कुंभक और रेचक। हर एक पूरक के साथ आप अपने पूरे ब्राइट फ्यूचर को अंदर ले रहे हैं। कुंभक के साथ वर्तमान को होल्ड करते हैं और रेचक के साथ पूरे पास्ट को बाहर। लेफ्ट से रेचक हो तभी हाथ नीचे रख दीजिए। आंखें बंद ही रखेंगे। श्वास और प्रश्वास पर ध्यान। हर एक अंदर जाती हुई श्वास प्राणवायु कॉस्मिक एनर्जी पॉजिटिव वाइब्स हकारात्मक विचार लेके शरीर के अंदर जाती है और ब्लड में उसका फ्लो मिक्स होके सिर से लेकर पांव की उंगलियां तक और पांव की उंगलियां से लेकर सिर तक पूरे शरीर में फैल रहा है और बाहर आती हुई प्रश्वास के साथ आपके अंदर की एबिलिटी लव पीस जॉय म्यूजिक सभी कुछ बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा। आपका पूरा शरीर और मन एनर्जी से भरपूर आनंद से भरपूर हो गया है, हो गया है, हो गया। यही एनर्जी आपके पूरे दिन को बहुत अच्छे से गुजारने वाली है। यू फील दैट एनर्जी थ्रू आउट द कमिंग टाइम। मकार को लंबा के ओमकार करेंगे। 5 बार मकार करेंगे।
पति पति को बुला गए पति को पति माइक ऑफ करिए आपका प्लीज। ओमकार द्वारा प्राप्त हुई ऊर्जा आपके शरीर के प्रत्येक कोश में फैल रही है और आसपास के वातावरण में भी, उसका बंद आंखों से अनुभव करेंगे। आंखें बंद रखते हुए दोनों हाथ की हथेली एक दूसरे के साथ घर्षण करके प्राप्त हुई ऊर्जा को सबसे पहले आंखों को अर्पण करेंगे। समग्र चेहरे पर पूरे शरीर को अर्पण करते हुए पूरी स्वस्थता के साथ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर का हर एक कोना हर एक पार्ट पूरा एनर्जी से भरपूर है, ऐसी भावना के साथ एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपने पूरे पॉजिटिव वाइब्स विश्व कल्याण के लिए भी अर्पण करते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम सबको, आज का हमारा योग का क्लास यहाँ पे पूरा होता है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देनी है, आपको पता ही होगा पर अभी वर्चुअल चल रहा है तो शायद कुछ छूट जाए, तो योग निकेतन में जो चल रही हुई प्रवृत्तियां है उसके बारे में शॉर्टली मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे योग के वर्ग चलते हैं एक एक घंटे के स्लॉट में, वो सुबह में 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, यानी 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, ऐसे चलते हैं। और शाम को 5 से 6 और 6 से 7 दो बैच है। 5 से 6 है वो स्पेशली लेडीज के लिए बैच है और 6 से 7 है वो जनरल है। यहाँ पे मई महीने में, अप्रैल मई में बच्चों के लिए स्टूडेंट शिविर होती है, 10th 11th 12th के बच्चों के लिए वो होती है। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट तनाव मुक्ति योगिक शिविर साल में एक बार उसका यहाँ पे आयोजन होता है। और YCC योग सर्टिफिकेट कोर्स जो योग निकेतन में चलते हैं, एकेडमिक है वो अप्रैल में से शुरू होते हैं और अगस्त तक होते हैं, एक एक महीने का कोर्स होता है। उसके बाद YTTC यानी योग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होता है, वो नवंबर में शुरू होता है और 6 महीने का होता है। उसका टाइम YCC और YTTC दोनों का टाइम सुबह में होता है, 4:50 से 8 बजे तक का। एक एक महीने का YCC का कोर्स होता है। अगर आपको टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन लेना है तो YCC करना जरूरियात है। कोई भी एक YCC करना है उसके बाद आपको YTTC में एडमिशन मिलता है। दूसरा, यहाँ पे संगीत के वर्ग भी चलते हैं, उसमें शास्त्रीय गायन, हारमोनियम वादन, कीबोर्ड वादन और तबला वादन है। वो टाइम शनिवार को शाम को और रविवार को सुबह में होता है। सुगम संगीत के क्लासेस भी यहाँ पे चलते हैं, वो वीक में सप्ताह में 2 बार होते हैं, मंगलवार और शुक्रवार को। यहाँ पे भरतनाट्यम और कथक के क्लासेस भी चलते हैं। हमारा योग निकेतन का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट भी है, उसका वो सोम से शनि तक होता है, सुबह में 6 से 11 बजे तक और शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक। हमारे यहाँ लाइब्रेरी की पुस्तकालय भी है, वो व्यवस्था भी है, तो आप यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं तो उसका लाइब्रेरी में आप मेंबर होके वो भी पढ़ाई करने के लिए आप घर पे भी ले जा सकते हो। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हुई। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का योग निकेतन की ओर से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। हरिओम सबको, और आज के 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सबको बहुत बहुत बधाई। हरिओम सबको। हरिओम मैम। हरिओम। हरिओम मैम। हरिओम मैम।
हरिओम मैडम, बहुत अच्छा रहा आज का। हरिओम मैडम, हरिओम मैम, मैम आज अटेंडेंस हो गए क्या? मैं 555 को ज्वाइन ले ली। हेलो हेलो, अटेंडेंस हाँ ले ली हमने, हमने ले ली आओ पांच मिनट में आओ जो नमस्कार। हमारा भी स्वीकार करो भाई, मजा आएगी ना। Thank you, ma'am. Thank you.